हेलो, अस्सलाम सवाल वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह बरकातहू। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आपने एक तकरीर में बताए थे कि जो शौहर की प्रॉपर्टी रहती है ना, उसमें बीवी का कुछ हक नहीं रहता, क्योंकि वो उसका खुद का माल रहता है ना। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब उसका शौहर इंतकाल कर जाए तो फिर बीवी की प्रॉपर्टी में उसको क्या मिलेगा? और अगर शौहर का इंतकाल कर जाए, उसका माल है, तो बीवी अपनी मर्जी से खर्चा कर सकती है क्या? जी शेख, जी शेख अरशद, सवाल इनका ये है कि आपने बताया था कि जो शौहर का माल है वो उसका अपना माल है, वो बीवी का माल नहीं है। तो बहन, आपने बिल्कुल सही समझा है, ये शौहर ही नहीं, दुनिया के अंदर कोई भी जो इंसान है, जो उसका माल है वो उसका अपना माल है। अलबत्ता उसके माल में कुछ हुकूक होते हैं, मुख्तलिफ तरह के हुकूक होते हैं। जैसे हमारे मेरा माल है तो मेरे पास बच्चे हैं, बच्चों का हक है कि मैं उन पर खर्च करूं। मेरे पास बीवी है, बीवी का हक है कि मैं उस पर खर्च करूं। तो ये जो हक है उसका सिर्फ इतना ही है, बाकी वो जो मेरा माल है वो मेरा है। और ये सिर्फ शौहर के साथ मामला नहीं है, दुनिया के हर इंसान का जो है यही मामला है कि उसका अपना माल उसका है, किसी और का नहीं है। बीवी का जो माल है उसका अपना माल है, उसके शौहर का नहीं है। हाँ, जब शौहर की वफात हो गई तो जो माल वो छोड़ करके वफात किया है, उस माल में मुख्तलिफ लोगों का हक बनता है। अब मीरास के जी तौर पर, अब जो मुख्तलिफ लोगों का हक बन रहा है मीरास के तौर पर, उसके अंदर बीवी भी शामिल है। उस बीवी को भी अपने शौहर के छोड़े हुई जायदाद में से अपना हिस्सा मिलेगा, उसके बच्चों को अपना हिस्सा मिलेगा, उसके माँ बाप को अपना हिस्सा मिलेगा, जो भी उसके वरसा हैं सबका जी हिस्सा हमारी शरीयत ने मुतय्यन किया है। तो अगर किसी औरत के शौहर की वफात होती है और उसके पास औलादे हैं, तो उस बीवी को 1/8 मिलेगा अपने शौहर की जायदाद में से। और अगर उसके पास औलाद नहीं है तो उसमें से 1/4 मिलेगा बीवी को हिस्सा। इसी तरह से किसी बीवी की वफात हो जाती है तो जो बीवी का माल है, अगर औलाद नहीं है तो शौहर को आधा मिलेगा बीवी के माल में से, और अगर जी औलाद है तो बीवी को 1/4 मिलेगा। ये उसका हिस्सा जी है। जी जी